सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। पिंड पंजाब दे चैनल ते तुहाडा स्वागत है। होर दसो जी कि मैं सारे ठीक ठाक वधिया। टाइम हैगा जी मॉर्निंग दा, सवेर दे 8 बज गए ने। दिन हैगा सोमवार दा, 26 तरीक हो गई शायद, अज 26 सितंबर। ठीक है जी, ते मैं कर रही हां जी तैयारी ब्रेकफास्ट दी। मनवीर दा अज पेपर, उहने जाणा जल्दी। उधरों सारा संभरन का गोल सीटिया गया जी, बढ़िया अपना काम। मझां नवाईया गई, बैठ गई ने मझां नहा के। फटाफट मैं मनवीर वास्ते बना लू। मनवीर पनीर चक के लिया, दुद्ध पनीर कढ़िया से, दुद्ध बचा पिया से अपने। थोड़ी जी भुर्जी बना दिनी हाँ, जो घोगी परौंठी च पा दूँ, मम्मा परौंठी च पा दूँ, जिवें उन्हें करो करना कर लूँ। दहीं नाल इन्ने कौड़े प्याज ने, बरीक बरीक प्याज कट दिए फटाफट। अच कले प्याज ही नहीं, कुछ होर है भी। लो जी प्याज आप कट ले। बनाने सब्जी तो ये बनावे आप नॉन स्टिक। नॉन स्टिक मैं रोज़ नहीं वरतनी, क्योंकि जी सेहत लिए माड़ा। तुम भी कहो कमेंट करके भी ये सेहत लिए माड़ा है। इन्ना क पनीर अपने को बिल्कुल ही सेहत के लिए चंगा नहीं है, पर डेली का माड़ा है। आप कद कद वरत जिमें सब्जी बनानी है पनीर की, चिपक जूगा। मैं ज्यादा घो पा के नहीं बना चाहती। गर्मी मैंने पी लगती लो जी। आप पैन रख लिया, तो ये पा लेंगे सरों का तेल, देसी घ्यो, जो भी तुसी जिदे विच भी सब्जी बनाउणी हो बना सकदे हो। तेल अपना गर्म हो गया, तो आप ये पा देंगे जी जीरा। साढ़े घर कोई भी चाहे दाल आ चाहे सब्जी है, जीरे तो बिना बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि जीरा साढ़े वास्ते सेहत वास्ते ही बहुत वधिया। तो उंज भी इहदे नाल टेस्ट वधिया आउंदा। तो नाल ही आप पा देंगे जी कटे हुए प्याज, तो इन्हों चंगी तरह हिला के आप भुन लवेंगे। जीरे प्याज लसण बिना कोई भी सब्जी अधूरी है। लसण असं अजे गर्मी बहुत घट खाने, हूँ सर्दियाँ हो गई हूँ छिल्लिया करांगे। बाकी गल यह जी छिलण का टाइम नहीं, मेन जिहड़ी प्रॉब्लम हुंदी है लसण छिलण दा, भी अपने कोई टाइम चाहिए। लो जी अपने प्याज ने जिहड़े पूरे गोल्डन ब्राउन हो गए ने, हूँ आप पा देंगे मसाले, लूण मिर्च हल्दी। यह बेसिक मसाले ने, तिना मसालिया बिना दाल सब्जी नहीं बनती हैगी। तो नाल ही आपां पावांगे जी काली मिर्च। काली मिर्च नाल भी टेस्ट है जिहड़ा दाल सब्जी का, वधिया हुंदी है ते हैल्दी हुंदी है। तो नाल आपां पावांगे गर्म मसाला, तां कि सब्जी दे विच बहुत सोहनी खुशबू आवे ते सब्जी का टेस्ट वधे। तो भुर्जी है ना, एक ऐसी चीज़ है ये पनीर की भुर्जी। जो कोई भी दाल सब्जी ना हो, चक के 2 किलो दुध के नींबू पा दो, चाहे तुसी नींबू 7 पा दो, नाल दी नाल फाड़ो ते सब्जी बना के खा लो। नाले हैल्दी दी हैल्दी पहले तुसी वह कर लिया करो, दुध में उबाल के उप सारी क्रीम ला के दुध फाड़ लिया करो। क्रीम अपना सॉरी जी पनीर उन्ना ही निकलता है, तो पर जी उपरों फैट लै जाती है, फैट की आप जो लै जाता घ्यो बना लो जी, मगले दुध का पनीर बना लो। ठीक है, वेस्ट नहीं हुंदा, पर अजकल दुध महंगा गा, हरेक का जी नहीं करता भी चल कहूँ वो करना। तो तुसी फैट का रेट, दुध का रेट जरूर दस्यो, थोड़े वाल दुध का रेट की है। लो जी फटाफट आप मिक्स कर लें इनू, तो बस फिर आप थोड़ा जहा सेक लवा लेंगे पनीर में। ज़्यादा कोई सेक की लोड़ नहीं हुंदी, तो कच्चा भी खाधा जाता हुंदा, क्योंकि दुध अपना उबलन तो बाद ही आप फाड़ दें, तो यह पहले ही पक जाता है। बस इनू सेक आ जिहड़ा अपना चंगी तरह लग लिया, मैं इनू चंगी तरह हिला दिता जी, अल्टा पलटी इहदी करती। तो हुण आपां गैस कर दिंदे आ बंद, तो इनू आपां ढक के रख दिंदे आ। तो अपनी हो गई पनीर की भुर्जी तैयार। हुण तुसी इनू इस तरह रोटी नाल भी खा सकदे हो, तो परौंठा भी इहदा बना सकदे हो, जिवें भी तुहानू ठीक लगता उवें तुसी इनू खा सकदे होंगे। टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती हैगी इह, तुसी जे नहीं खाधी जरूर ट्राई करो। इहदे परौंठे जरूर ट्राई करो जी, पनीर की भुर्जी तो सारे ने खाधी हुई, पर इहदे परौंठे बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं। चलो जी आप रोटी पका लें।
देखो प्यो पुत्ता की हालत मेरे वास्ते भी कर दियो कैसी चीज रब्बा बंदे नू पढ़ने पा दिंदी मास्टर जी स्कूल आए भूख लगी है ले होर छिन्न के देवा मैनू भी एक गिलास चलो जी मैं मछमियां छिलदा आप इक गिलास जूस तां पीवांगे नहीं ना देणा नहीं जेड़ा खिल्ली लो जी पी लो जूस मौसमी का ए एक गिलास मोना का है पूरा कढ़ना होगा गुरलीन ने पीता पता नहीं क्या ये मौसमी का जूस कट निकलदा बादू पैदा करदा इना ना गल च खंड पा ली मैंने तो खंड की लोड़ नहीं वैसे ही मोटापा बहुत ले अंदर आ ये कढ़न सार पी लिया फिर तो ठीक है जब तो थोड़ा टाइम रख दिने तोड़ा हो जाता रोटी खाने तो बाद मैं सारे कम करे कम करके मैं हूँ नाती हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया फिर 11-12 बज गए मास्टर स्कूल में आए हूँ तो टाइम 1 बज गया हूँ रिपन की टाइम हो गया 1 बज गया फिर मैं बिंदी जड़े बठीक का कम करने लग गई बस ना हूँ लेट हो गया फेसबुक पेज पर रिपन ने वीडियो अपलोड करती हूँ वायरल हो गई उतों वाले फेसबुक वाले मैसेज ही नहीं हटते उही मैसेज नहीं मैं तो रिप्लाई हूँ रात मेरे बाहर दुखन लग गए मैसेज रिप्लाई कर दी जे अपना ये थोड़ा जहा पाइन एप्पल पा के बनाइए मौसमी का जूस तो ज़्यादा टेस्टी बनता है कली मौसमी का ये आप कुछ नहीं पाया ना पानी इन्ना तो मिठा पा लिया थोड़ा जहा मैं ये बस कला काला लून पाया ही कट के एक वर्त पा ली लो जी जूस जस सारे ने पी लिया हूँ मैं की करा आ देख लो रेखा राणी सुती मौज ना थले रेखा राणी कोई टेंशन नहीं कितने दिखी हुई थी ले दे ले मीता ये अपन मरता हो ये तो ये सुक जाएंगे सारे के पर अब तो स्मेल ला ही होंगे मीज ना तो ही गंदी जी स्मेल लाने लग गई तोड़ियां तो मैं किसी के रिसर्च हाँ नहीं कर रही थी कितने आप सुनाम कितने जाना हम दस सुनाम मैंने लेके से जो चलना नहीं बेचारी तुरके आई अब तक ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੂਟ ਫੜ ਕੇ ਲਿਓ ਨਿੰਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ
ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੈਂਪਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਜੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖ ਲੈ ਬਰਕਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਲਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਬਖਾ ਚੜੀ ਆ ਆ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਵਜੇ ਨਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਕੂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਟ ਡਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਢਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਢਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਿੱਖਾ ਰਾਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜੇ ਜੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰ ਕੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਡਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਓ ਜੀ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਾ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰ ਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਏ।